गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2। तो जो हमने जो फर्स्ट टू क्वेश्चन थे वो पहले डिस्कस कर लिए हैं, अब आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर टू के जैसा है। जैसे हमने इक्वेशन पहले राइट कर लिया, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 7y = 7। इस इक्वेशन को एज इट इज भी राइट कर सकते हैं, या 5 को इस साइड इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएं तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा। हमने ए वन की वैल्यू लिखी, बी वन की, तो ये आता है कहाँ से? एक जनरल इक्वेशन होता है, पहले बता दिया ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी इक्व टू 0। तो डिपेंड करता है कि हमने ये वाला जो 5 है साइड लेके गए तो सी वन की वैल्यू यही रहेगी या ये रहेगी। अभी मैंने लेके नहीं गया हूँ मैं इसमें, तो ए वन की वैल्यू 3, बी वन की 2, सी वन की 5, ऐसे ही ये किया 2 - 3 सी। अब इसका जो पेयर था लिख दिया, ए वन अपॉन ए टू 3/2, बी वन अपॉन बी टू तो -2/3, सी वन अपॉन सी टू 5/7। तो अब ये जो तीनों हैं ये बराबर नहीं है, तो हैंस द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो अब ये कंडीशन कैसे लग रही है? ये कंडीशन के लिए एक टेबल होता है बुक में, वो टेबल के अभी हमने क्वेश्चन के हिसाब से मेजर 3 पॉइंट लिख लिए हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, अगर तीनों बराबर ना हो तो ये, अगर लास्ट के दो बराबर ना हो तो इन, अगर तीनों दोबारा से बराबर हो तो कंसिस्टेंट। तो हम ये तीनों पेयर्स और कॉम्बिनेशन लगाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारे पास अब बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, हमने सारे के सारे क्वेश्चन राइट कर लिए हैं इधर पहले ही। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, तो 2x - 3y = 8 एंड 2x - 3y इस साइड को लेके आया तो 8 हो गया। मैंने बताया था पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन में कि 8 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 4x - 6y = 9, तो अब 9 को इस साइड लेके गए तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/2x + 5/3y = 7, 9x + 10y = 14। नेक्स्ट है 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। तो ये भी इसके जैसे ही बनाना है ये क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन। तो ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, इसमें से मैं एक और क्वेश्चन करके बता रहा हूँ सिर्फ फ्रैक्शन वाला, कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कैसे करना है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज इसी क्वेश्चन के जैसे लिखने हैं और ये लगाना है, और जो हमने तीन रूल पढ़े वो लगा रहे हैं, जैसे कि ये वाले रूल्स, जैसे ये देख रहे हैं बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 3/2 + 5/3 y = 7, 9x - 10y = 14। तो मैं इस साइड को 7 लेके आया, माइनस का हो गया, 14 भी हो गया। ए की वैल्यू 3/2 आई, बी की वैल्यू 5/3, सी की वैल्यू -7, ए 2 9, बी 2 10 आ गया और सी 2 -4। दोबारा से वही लिखा, तो जब भी 9 ऊपर जाएगा तो इसके नीचे होगा 1, तो ऊपर जाएगा तो 1/9 कट गया, 1/6 आया, 1/6 आया ये भी। और जो आगे वाला है, जो नेक्स्ट रहता है C1, तो वो 1/2, तो लास्ट के दो बराबर नहीं है। तो हमारी कंडीशन के बाद इसमें दो बराबर नहीं होता, वो इन होता है, ये वाला सेकंड कंडीशन लगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन सभी को ऐसा ही करने, तो क्वेश्चंस करें, अगर किसी को नहीं आता कुछ तो पूछें। ओके, थैंक यू।